दुर्योधन कहा है। अभी दिल्ली में जो घटना हुई है, दिल्ली में जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा है, किनकी सरकार है, कौन उसके लिए जवाब दे रहे हैं? तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को दोनों को इस्तीफा कर देना चाहिए, ये डिमांड करना चाहिए। मैं तो चुनौती देता हूँ, षड्यंत्र किया जा रहा है और सारा षड्यंत्र का जांच हो रहा है और एक एक चीज पर्दाफाश होगा, तब पता चलेगा कि कौन लोग षड्यंत्र किया है। अरे भारतीय जनता पार्टी तो मस्जिद ख़त्म कर दीजिए और मंदिर उनके एजेंडे से ख़त्म कर दीजिए, तो देश में क्या है उनके पास बचा हुआ? तो हमारे चूँकि मेडिसिन तो गई है, यहाँ नेट तो आप बंद करवा दिए हैं, जाकर के वहाँ पर बीघा से भी रहा है, वो आएगा तो हम आते हैं काम कर देंगे और लेट हम आवेंगे। दुर्योधन कहा है। दिल्ली में जो घटना हुई है, दिल्ली में जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा है, किनकी सरकार है, कौन उसके लिए जवाब दे रहे हैं? तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को दोनों को इस्तीफा कर देना चाहिए, ये डिमांड करना चाहिए। मैं तो चुनौती देता हूँ कि जहाँ जहाँ भाजपा के से अलग की सरकारें हैं, वहाँ की सरकारों को पदस्थ करने की कोशिश की जा रही है, षड्यंत्र किया जा रहा है और सारा षड्यंत्र का जांच हो रहा है और एक एक चीज पर्दाफाश होगा, तब पता चलेगा कि कौन लोग षड्यंत्र किया है और कौन लोग इस शहर को जलाने में लगे। अभी एक बीजेपी के विधायक बोल रहे हैं वहाँ पर कि इमाम से इमामबाड़ा को इमाम को निकाल दिया जाए तो यहाँ पर शांति बहाल होगी, इस तरीके। अरे भाई भारतीय जनता पार्टी तो मस्जिद ख़त्म कर दीजिए और मंदिर उनके एजेंडे से ख़त्म कर दीजिए, तो देश में क्या है उनके पास बचा हुआ? न देश की तरक्की की बात करते हैं, न देश में रोज़गार की बात करते हैं, न महंगाई की बात करते हैं, तो ये सारा खेल तो मस्जिद और मंदिर है। भगवान राम और अल्लाह हैं, यही दो तो उनके प्यारे हैं, बाकी तो सब कुछ न्यारे हैं। अगर ये चीज़ दोनों ख़त्म उनके एजेंडे से हो जाए तो बाकी उनके पास कुछ नहीं होगा। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए उपद्रवियों ने जमकर उपद्रव मचाया था। फिलहाल हमारे साथ बिहार सरकार के ग्रामीण विकास जिले से ताल्लुकात रखते हैं, नालंदा विधानसभा से विधायक हैं फिलहाल बिहार सरकार।